चलिए बच्चों प्रारंभ करते हैं प्रश्नावली 3.7 का पांचवा प्रश्न। क्या है प्रश्न बच्चों? ये दो रेखाओं के समीकरण आपको दिए गए हैं, इन समीकरणों से इनका ग्राफ खींचना है और ग्राफ खींचने के पश्चात जो ग्राफ हमें प्राप्त होगा उन दोनों रेखाओं और वाई अक्ष के साथ बने त्रिभुज के शीर्षों के निर्देशांक तथा उस त्रिभुज का क्षेत्रफल भी हमें ज्ञात करना है। इस प्रकार का एक प्रश्न हम लोगों ने अभी पिछली कक्षाओं में किया भी था। चलिए बच्चों देखते हैं क्या है। तो पहला समीकरण है हमारे पास 5x ऋण y = 5। ग्राफ खींचने के लिए बच्चों निर्देशांक चाहिए, तो y को सब्जेक्ट बना लेते हैं। y बराबर आ जाएगा 5x ऋण 5 x और y। x कैसे मान लेंगे? जिसके लिए y इंटीजर्स आए, x का मान मान लीजिए हमने 0 ले लिया, तो बच्चों y का मान आ जाएगा ऋण का 5। x का मान अगर मान लीजिए हमने 1 ले लिया तो y का मान आ जाएगा 0। और अगर x का मान 2 लेंगे तो y का मान आ जाएगा 5। तीन बिंदु हमारे पास हो गए। अब इन तीनों से हम एक ग्राफ बनाएंगे, इसे प्लॉट करते हैं बच्चों। 0, -5 ये बिंदु हो गया 0, -5। अगला बिंदु है 1, 0 ये बिंदु हो गया बच्चों 1, 0। अगला बिंदु है 2, 5। प्रथम चतुर्थांश से पड़ेगा ये 2, 5। बनाते हैं 2, 5 को, ये आ रहा है 2, 5। तो ये बिंदु बच्चों आ गया हमारे पास 2, 5। इनको मिलाते हैं और इनको मिलाते हुए देखते हैं सरल रेखा बन रही है कि नहीं। हाँ बच्चों सरल रेखा तो बन रही है, तो मिलाएंगे इसको जरा। चलिए बच्चों इनको मिला लिया, तो ये दूसरे समीकरण का ग्राफ हमें प्राप्त हो गया। ये समीकरण क्या था? 3x ऋण y = 3। अब बच्चों कह रहा है इन रेखाओं और y अक्ष से बने त्रिभुज के शीर्षों के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। तो ये त्रिभुज बन रहा है बच्चों, ये पहली रेखा, ये दूसरी रेखा और ये है y अक्ष, तो इसके साथ त्रिभुज बन रहा है
शीर्षों के निर्देशांक बच्चों क्या आए हैं, ए के, बी के और सी के निर्देशांक लिख देते हैं। जैसे यहाँ पे 1.0, 0.3 और 0.5। अब बच्चों ने त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल कैसे ज्ञात करेंगे, यहाँ पे ज्ञात करते हैं। देखिए जरा, क्षेत्रफल त्रिभुज ए बी सी, त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 आधार गुणे संगत ऊंचाई। तो ये 1/2 आधार गुणे संगत ऊंचाई। तो यहां पर 1/2 इसका आधार देखिए बच्चों क्या है, ये है त्रिभुज ए बी सी। जरा ध्यान से देखिएगा, ये एक अधिक कोण त्रिभुज है। इसका आधार अगर बच्चों बी सी ले लें तो बी सी कितने इकाई है, यहाँ पे धन चिन्ह नहीं देखेंगे, कितने इकाई है, 1 और 2 इकाई। तो इसका आधार हो गया बच्चों 2 इकाई गुणे। अब इसकी ऊंचाई, ऊंचाई का मतलब हो गया आधार के सम्मुख शीर्ष से आधार पर डाला गया लंब। तो यहाँ पर आधार बी सी है, इसका सम्मुख शीर्ष ये ए है, तो इससे जब हम आधार पर लंब डालेंगे तो ये ए ओ आएगा, क्योंकि ये सी बी प्रोड्यूस्ड में पड़ेगा। ये बिंदु यहाँ पर सी है, थोड़ा और स्पष्ट लिख देते हैं, ये बिंदु है सी, तो ये सी बी के, सी बी के बढ़ाए भाग पे लंब पड़ेगा बच्चों, क्योंकि ये अधिक कोण त्रिभुज है, इसकी इसका लंब त्रिभुज के बाहर भी हो सकता है। तो ये इसका लंब की माप क्या है बच्चों, एओ, और एओ कितने इकाई है, एओ है केवल 1 इकाई। तो ये आप लिख दिया आपने 1, 2 से 2 कैसे घटाओ, तो ये आ गया 1 वर्ग इकाई। ये आपका दूसरा उत्तर हो गया बच्चों। धन्यवाद, अगला प्रश्न अगले वीडियो में।